आतंक और हिंसा का माहौल बनाने वालों को, उनको फैलाने वालों को, भय का वातावरण पैदा करने वालों को नेस्त नाबूद करना सरकार की नीति, सरकार की रणनीति, और उसमें हमारी स्पष्टता साफ है, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमारे सैनिकों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। संकट की घड़ी में भी देश को शांति देने के लिए यूनिफॉर्म में खड़े हुए सब लोगों ने अपनी जीवन की अपनी आज आहुत करके हमारी कल को रोशन करने के लिए जीवन खपाया है। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन समय रहते रिफॉर्म की भी बहुत आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा हमारे देश में सैन्य व्यवस्था, सैन्य शक्ति, सैन्य संसाधन, उसके रिफॉर्म पर लंबे अरसे से चर्चा चल रही है। अनेक सरकारों ने इसकी चर्चा की है, अनेक कमीशन बैठे हैं, अनेक रिपोर्ट आए हैं, और सारे रिपोर्ट करीब करीब एक ही स्वर को उजागर करते रहे हैं। 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इन बातों को लगातार कहा गया है। हमारी तीनों जल थल नभ, उनके बीच कोऑर्डिनेशन तो है, हम गर्व कर सके ऐसी हमारी सेना की व्यवस्थाएं हैं। किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व हो ऐसा हो, वे अपने अपने तरीके से आधुनिकता के लिए भी प्रयास करते हैं। लेकिन आज जैसे दुनिया बदल रही है, आज युद्ध के दायरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं, आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल थल नभ में से एक आगे रहे, दूसरा दो कदम पीछे रहे, तीसरा तीन कदम पीछे रहे, तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल हो, विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं, वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे, और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है, उसके लिए बल देने वाला काम है।